वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम टीएलएफ। तो आज हम लोग हैं चंडीगढ़ के एक हिडन जेम में, मतलब कि आई एम एट सेक्टर 19 ली कार्बूजिया सेंटर, जहां पे एक नया कैफे खुला है जिसका नाम है बन बिस्ट्रो। ये ना अभी अभी रिसेंटली खुला है और इनका जो थीम है ना और इनकी जो एम्बियंस है उसके बारे में मैंने बहुत तारीफें सुनी थी। सो मैंने कहा यार हम पीछे कैसे रह सकते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने पूल किया था कि भाई हमें कैफेज़ पे वीडियोस करनी चाहिए कि नहीं, तो आप लोगों ने बोला था कि हाँ ज़रूर करनी चाहिए। तो ये नई जगह लेके आज हम आ गए हैं यहाँ पे। और अगर पूरी वीडियो देखनी है और मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी भाई इनका खाना, इनका रेट्स, इनकी एम्बियंस, क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं और क्यों ये जगह स्पेशल है, तो उसके लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल्सो यहाँ पे आते हो तो देन यू कैन ऑल्सो रेंट आउट अ साइकिल बाहर से, 50 rupees इज दैट चार्जेस। एंड ऑल्सो यहाँ पे आने के लिए आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। इनका नंबर ऑनलाइन मिल जाएगा, हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप करा सकते हो। देन इट्स इनसाइड द ली कार्बूजियर सेंटर, तो आप ली कार्बूजियर म्यूजियम भी देख सकते हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, अब सांस आ गया। नाउ आई डेस्परेटली वांट अ कॉफी बिकॉज आज बहुत ठंड है, तो आ जाओ चलते हैं। गाइस, जैसे कि मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ कि हम लोग हिडन प्लेस में, और मैं बहुत ही आराम से बहुत ही सभ्य तरीके से बात करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बहुत ही साइलेंट मोड में बैठे हैं आराम से चिल करने, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उनका यू नो शांति को तोड़ूँ। सो हम लोग हैं बन बिस्ट्रो सेक्टर 19 ली कार्बूजियर सेंटर के अंदर है। ये रिसेंटली अभी ओपन हुआ है एंड दे हैव दिस अमेजिंग सिटिंग एरिया, और बहुत ही यू नो फ्लेवरफुल और बहुत ही प्यारा टेक्सचर है। गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, जैसे कि आपने अगर इफ़ यू हैव वेंट टू गोवा, तो वहाँ पे एक एलिफेंट कैफे करके जगह है जो मेरी ये वीडियोज़ में आपको दिखेगी, तो उनके जैसा आउटलुक है, थोड़ा पोर्तुगीज, थोड़ा यू नो थोड़ा गोइन टच देके ये पूरी प्लेस कंस्ट्रक्टेड है, जो कि बहुत ही क्यूट है। हम लोग इस टाइम पे बाहर बैठे हैं, आई विश कि यहाँ पे सूरज होता तो बहुत अमेजिंग सा लगता। ओके, सो पहली चीज़ मुझे इनके जो रेट्स हैं फूड के वो थोड़े से ज़्यादा प्राइस लगे। सो गाइज मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन अगर हम बात करें एम्बियंस की, अगर हम बात करें एक रिलैक्सेशन मूड, एक नाइस इवनिंग, नाइस आफ्टरनून फ्रेंड्स के साथ आना, तो देन दिस शुड बी अ बेस्ट प्लेस। तो उस हिसाब से हम निगलेक्ट कर सकते हैं प्राइजेस का। सो दिस पास्ता इज़ कॉस्टेड मी 449 rupees, एंड देन आई हैव ऑर्डर्ड 2 cappuccinos, एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ ऑर्डरिंग पिज्ज़ा, बिकॉज इन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास सब चीज़ें वेज है एंड इनका पास्ता और पिज्ज़ा आर देयर स्पेशलिटी। तो अब हम ये ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि खाना जो है वो कैसा है, क्योंकि एम्बियंस तो मुझे बहुत अमेजिंग लगी, लाइक लिटरली बहुत 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 खूबसूरत है। सो गाइज हमारा पास्ता आ चुका है, मैंने मिक्स सॉस पास्ता ऑर्डर किया था। सो ब्रेड का जो जो शेप है ना, वो मुझे लेज के चिप्स जैसी लग रही है, उसी की तरह क्रंचीनेस भी है इसमें। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज़ अ गार्लिक ब्रेड और नॉट, वो खा के पता लगेगा। दिस इज़ आर पास्ता। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पास्ता, मुझे मिक्स सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगता है। एक और कैफे है जहाँ का पास्ता मुझे बहुत पसंद है। सो होपफुली वी गेट परमिशन, वी विल टेक यू देयर। बेसिकली दिस इज नॉट अ गार्लिक ब्रेड, बट जो क्रंचीनेस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, एंड द टेस्ट ऑफ द पास्ता इज सो नाइस। मिक्स सॉस पास्ता है तो जो टैंगीनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड मुझे इनकी थोड़ी क्वांटिटी कम लगी उस हिसाब से अबाउट द प्राइसिंग, बट जो एम्बियंस के हिसाब से हम कह रहे हैं बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है, तो वो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बट जो टेस्ट है इसका, दैट इज़ ऑल्सो 5 out of 5।
टैंगीनेस फ्लेवर्स की बात करें तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा बैलेंस्ड है. ऐसा नहीं है कि यू नो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप मिक्स सॉस पास्ता में बहुत ही खटास होती है, वो नहीं है. क्रीमीनेस बहुत ही रिच एंड क्रीमी है, अच्छी तरीके से बना हुआ है. तो जो टेस्ट है उस हिसाब से 5/5, प्रेजेंटेशन 5/5, क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लगी, प्राइस भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लाइक द फूड. सो वी आई एम होपिंग कि इतनी कम क्वांटिटी में पिज्ज़ा ऑर्डर कर दूँगी. सो लेट्स सी, अभी के लिए आई विल ईट दैट और फिर आपसे बाकी बातें करते हैं. तो गाइज मैंने साथ में कैपेचिनो भी ऑर्डर करी थी बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है चंडीगढ़ में. सो आई लाइक द कप्स द वे दे हैव सर्व. आई गुड बट अ लिटिल बिट ऑफ शुगर बिकॉज मुझे अपनी कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर नहीं पसंद है. सो हम थोड़ी ही डालेंगे. अब मेरे हिसाब से ये थोड़ी है, सो डोंट जज मी ओवर दैट. सो मैंने कैपेचिनो ऑर्डर करी थी. ये जो कैपेचिनो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इसमें ना चॉकलेटी फ्लेवर है, अ लिटिल बिट ऑफ चॉकलेटी फ्लेवर, क्रीमीनेस है. सो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी अलग भी लगी एंड आई लाइक इट. सो 5/5 फॉर दिस. मतलब मुझे अभी तक जितना समझ में आया कि इनका खाने का टेस्ट बहुत अमेजिंग है. लाइक ऑल दो प्राइजिंग का है सीन, बट येस एक अच्छा गुड टाइम अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हो और इट्स अ गुड लोकेशन फॉर डेट ऑल्सो गाइज, गेटिंग माई पॉइंट. सो आई लाइक इट. सो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए और ऑर्डर करेंगे, फिर वो भी बताती हूँ क्योंकि इन्होंने बोला कि स्पेशल इनका पास्ता एंड पिज्ज़ा है. सो वी वांट टू ट्राई देयर पिज्ज़ा आल्सो. सो गाइज हमारा पिज्ज़ा आ चुका है. इनकी दो स्पेशलिटीज़ थी, एक पास्ता और एक पिज्ज़ा. सो हम लोगों ने ऑर्डर किया था कैप्रीस, जिसने मुझे कॉस्ट किया है अराउंड 699 विदाउट टैक्सेस. सो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि येस इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव फॉर मी ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ प्राइजिंग, बट एम्बियंस के हिसाब से इट्स लिट. तो आप पिज्ज़ा ट्राई करते हैं दूसरी स्लाइस. सो इनका जो पिज्ज़ा ओवन था ना वो आप ही आपको हम दिखाएंगे. दैट इज सो ग्रेट. आई लव देयर बेस. जो इनका बेस है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है. लाइक 5/5 फॉर द बेस. सो देन द सेकेंड थिंग इज कि कैप्रीस है तो इसमें इन्होंने पहले ही हमें बोला था कि दैट देयर विल बी टमाटोज एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ चीज़. तो उसकी वजह से टैंगीनेस है फ्लेवर में एंड जो टमाटोज का इसके साथ मिक्स होके चीज़ के साथ जो फ्लेवर आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है. बहुत ही माइल्ड फ्लेवर है. लाइक यू नो ऑथेंटिक पिज्ज़ाज़ नहीं होते जो वेरी माइल्ड होते हैं, तो वैसा सा फ्लेवर है. कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप लाइक डोमिनोज एंड पिज्ज़ा हट वाला नहीं है. बहुत ही बेस आराम से लाइक काइंड ऑफ वेरी सूदिंग सा ठंडा सा फ्लेवर है. बट खाने में अगर हम बात करें तो येस मुझे थोड़ा चटपटा ज़्यादा पसंद आता है. सो इस हिसाब से आई विल गिव दिस 5/4. सो उस हिसाब से इतने, लेकिन बेस टोटल स्टार्स. सो अभी के लिए जो मेरा फूड रिव्यू है इसके लिए, इस जगह के लिए, वो बहुत ही अच्छा है. आई लव दी पास्ता, आई लव दी कॉफ़ी एंड ऑल्सो आई लाइक दी पिज्ज़ा टू. सो ये हिडन जेम आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए. सो इफ़ यू आर फ्रॉम ट्राई सिटी तो एक बार तो यहाँ पे आना बनता है. और अगर शाम को जो बोन फायर वाला एरिया है वहाँ पे अगर लगी हो ना तो मज़ा आ जाता है. इवनिंग में जब लाइट्स ऑन हो तो और भी अच्छा. और सर्दियों में जिस दिन धूप निकले ना तो उस दिन यहाँ पे ज़रूर आना. एक तो आके यू कैन गो विजिट द ली कार्पोजियर म्यूजियम, यू कैन रेंट आउट अ बाइसिकल, यू कैन चिल आउट एट दिस कैफे विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली ऑल्सो ऑन अ डेट टू. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब. गाइज ये है इनका सिटिंग एरिया. तो ये आउटसाइड सिटिंग एरिया है, शेड के नीचे भी सिटिंग है एंड देन दिस दे हैव द इनसाइड सिटिंग एरिया जहाँ पे यू नो छोटा सा ही काउच है वो इस साइड है. देन इनका टेक्सचर और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर है. तो अभी हम कुछ अमेजिंग से पिक्चर्स खींचेंगे एंड यू नो दैट म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक इज़ प्लेइंग ऑल्सो. एंड इवनिंग में आई एम जस्ट थिंकिंग कि व्हेन दीज लाइट्स गेट टोटली लाइक यू नो ऑन तो ये कितना सुंदर लगता होगा. और ब्लॉगर्स के लिए दिस इज़ अ प्लेस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ दिस प्लेस. सो यू कैन क्रिएट अमेजिंग रील्स, यू कैन क्रिएट अमेजिंग वीडियोज ब्लॉगर्स के लिए, डेट के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी जगह है. तो आ जाओ चलते हैं.